तो गाइस सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अभी हम आए हैं सिंध असेंबली और आज हमने सोचा कि सिंध असेंबली के एक्सपीरियंस लिया जाए और हमारे को यहाँ लाने वाले अनिल भाई हैं और इन्हीं की वजह से आज हम यहाँ हैं और ये मेरा पास देख सकते हैं। बस थोड़ी देर में हम अंदर चलते हैं फिर अंदर का। तो गाइस फाइनली इनका ओपोजिशन लीडर पीडीआई के एहतजाज ख़त्म हो गया है और वो अपनी अपनी सीट पे बैठते हैं। उन्होंने रिकॉर्ड करवा दिया, अभी बस प्रॉपर इजलास शुरू होगा। नारे लगा रहे हैं कि नैब से खौफ ज्यादा है, नैब से खौफ ज्यादा तो आप है, जब ही तो आपके वजीर आजम के मुशीर ने वजीर आजम के नीचे ऑफिस में बैठ कर आप ही की कारकुन को इस्तेमाल करके नैब के चेयरमैन के खिलाफ मुहिम चलाई ताकि नैब के चेयरमैन आपके उल्टा। इसमें तो हम आपसे कल बात करेंगे, अभी तो बजट पे हम बात ही नहीं कर रहे। अभी तो बजट आया, आपको स्ट्रोक आ गया, उसका बजट स्ट्रोक के मरीज खड़े हैं यहाँ पे। तो मैं ये कहती हूँ Now the House is adjourned to meet again on Thursday the 13th June at 2 p.m. गाइस बिल पास हो गया है, पता नहीं किस चीज़ का है, लेकिन ये है कि असम्बली बस गाइस अभी ये है कि जो असम्बली थी वो मेरे ख्याल से जुमेरात तक पेंडिंग में चली गई है। ये सारे गाइस एमपीएस जो सिंध के हैं ये हमारे सरकारी सिंध के एम पी हो, उसकी प्रोटोकॉल चेक करें आप। गाड़ियाँ सही पता नहीं साहब, ठीक है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं थोड़ी देर में आई थिंक ओपोजिशन लीडर जो पीटीआई के फिर दो शमीम नदवी है और पीटीआई के जितने एमपीएस हैं वो सकता है वो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें। रांची वाटर बोर्ड की इंतजामिया सिंध गवर्नमेंट के लोकल मिनिस्टर सही बनी, टैंकर मात्रा से मिल के करोड़ों रुपए कमाए, रमजान में भी पानी भेजा, जान भाई ने दिखाया के डब्ल्यू एस पी के पंपिंग स्टेशन पर से पानी कैसे और कैसे बिक रहा था। हमने तो इतना मेहमान शहद पेम जैतून का तेल का पेम मालिश करवा के हड्डियाँ तो सही हो गई, माशाल्लाह से बड़ी खुशी होती। गाइस फाइनली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई और फिर दो शमीम नकवी ने हमें बताया कि ये जो अपोजिशन लीडर की तरफ से एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा था, ये रिकॉर्ड किया जा रहा था कराची में पानी का बहरान की वजह से और कराची में
जो नैब ने जो आसिफ जरदारी को गिरफ्तार किया उसके खिलाफ उनकी अपोजिशन दायर की गई थी, उसकी वजह से भी आज अपोजिशन लीडर एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे। तो जिस वक्त मेरे साथ मौजूद है पीटीआई के एमपी है रियाज भाई, जी रियाज भाई, आज हमारे को बताएं कि हमने सिंध असेंबली में आज पीटीआई की तरफ से एहतजाज रिकॉर्ड किया, ये किस हवाले से था? इस एहतजाज को रिकॉर्ड करने की वजह ये थी कि सिंध असेंबली में जो इजलास बुलाया गया ये आवाम की उमंगों के मुताबिक नहीं था, इसमें कोई आवामी एजेंडा शामिल नहीं था। ये जो मुझे यहाँ सीनियर से पता लगा है कि एक इजलास का एक दिन जो है वो तकरीबन 50 लाख के लगभग के करीब जो है वो कॉस्ट करता है सिंध हुकूमत को। और आज इन्होंने एक रेजोल्यूशन भी पास की है जो आसिफ अली जरदारी के हक में और नैब के ख़िलाफ़ इन्होंने की है, कुछ ऐसे ही सुनने को मिला, अभी मैंने उसकी कॉपी नहीं निकलवाई। और कहने का मतलब ये है कि एक चोर के लिए इस असम्बली को इन्होंने 50 लाख रुपए सिंध आवाम के इन्होंने आज हवा में उड़ा दिए। एक वो चोर जिसको ना सिर्फ सिंध की आवाम, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया जानती है और उसके इंटरनेशनली उस पर आर्टिकल लिखे जा चुके हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में उनकी जायदादें हैं जिसकी मनी ट्रेल नहीं है, जिसके कागजात नहीं हैं, वो कुछ साबित नहीं कर पा रहे नैब के अंदर जाकर। तो इन्होंने जो इजलास बुलाया आज और आसिफ अली जरदारी के एक तरह समझ लें उनकी फेवर करने के लिए बुलाया था, डेट्स वाई कल खान साहब ने जो स्पीच की उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, खान साहब ने कहा कि वो अभी खड़े हुए हैं और अभी वो सबको नहीं छोड़ेंगे चोरों को, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, इस मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान आज से 9-10 महीने पहले जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट बनी और पाकिस्तान उस वक्त माशी बदहाली में था, और अब तो माहिरीन जो हैं माशियात या जो एंकर हैं हमारे टीवी के वो भी एक बताते हैं कि जी उस वक्त नून लीग की जो गवर्नमेंट के लास्ट जो 3 महीने थे उसमें उन्होंने इतने बुरे तरीके से मैनिपुलेशन की और नेगेटिव काम किया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बेसिकली उन्होंने नेगेटिव वर्किंग की। अगली हुकूमत को आने थे हमारे एम पी रियाज भाई साहब पीटीआई के एमपी है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं सारे एमपी अपने राय दे रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो कुछ साल रह गए हैं पीटीआई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खान साहब के, तो कोशिश करेंगे और दुआ करेंगे कि ये इस मुल्क के लिए अच्छा हो। चाहे और मैं आप लोगों को भी कहना चाहूँगा कि आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, नून, एमक्यू, किसी भी पार्टी से, इस मुल्क के लिए ज़रूर सोचें, दुआ करेंगे अल्लाह पाक इमरान खान को तौफीक दे या कोई ऐसे सिला पैदा कर दे जो इस मुल्क के लिए अच्छा हो, जो इस मुल्क को आगे बढ़ा सके, इस मुल्क को एक पटरी पर चला सके कि इस मुल्क का जल्द से जल्द कर्जा ख़त्म हो सके और ये मुल्क अपने टैलेंट को शो करे और दुनिया में अपना एक अच्छा नाम पैदा करे। थैंक यू सो मच अनिल भाई, आपने इतनी एफर्ट किया हमारे लिए और अभी आई थिंक कल ये दोबारा आएंगे, मेरा तो एक जगह इवेंट है मैं वहाँ जाऊँगा और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो अनिल आप क्या कहना चाहेंगे आज की असेंबली की हवाले से? असेंबली बेफजूल बुलाई थी बस, हाँ ऐसा ही लग रहा था क्योंकि सिर्फ पीपल्स पार्टी के 3-4 शैला रजा को मैं जानता था, बाकी 2-3 और एमपीए थे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने स्पीच की। और यहाँ मुझे एक और चीज़ पता चली जो बहुत इंटरेस्टिंग थी, जो मुझे बहुत हैरत हुई सुन के, कि एक असेंबली के लिए 50 लाख रुपए का फंड जारी होता है, मतलब आज जो जितनी भी एक सेशन के लिए, सॉरी, जो आज मैंने आपको क्लिप में दिखाई तकरीबन इतना सही सेशन था या 5-6 मिनट का और होगा जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, इसके लिए 50 लाख रुपए फंड जारी हुआ था। तो गाइस आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी सिंध असेंबली किस हवाओं में उड़ रही है और कितनी अयाशियाँ चल रही हैं यहाँ लोगों की। तो दोस्तों ये वजह है हमारे सिंध के लीडरों की और हमारी नाकामी की, सबसे बड़ी वजह यह है कि 2-3 स्पीचों के लिए 50-50 लाख रुपए ऐसे उड़ा दिए जाते हैं जैसे आजकल हमारे गली के लोग चाय पराठे के लिए खर्च करते हैं। तो मुझे बहुत हैरत हुई और इनको शर्म करनी चाहिए इस चीज़ पर कि जिन अवाम ने इनको मुंतखब किया यहाँ असम्बलियों तक पहुँचाने में, उनकी पैसों से कितनी अयाशियाँ और कितना फजूल खर्ची हो रही है। Crashing out the skies like a tidal wave.